इकोनॉमी की रफ्तार को लेकर अभी तक चुप्पी साधे रखने वाले वित्त मंत्रालय ने भी भारत के विकास दर को लेकर अपना अनुमान जाहिर कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था सुधार के संकेत का दावा किया है। उन्होंने 2020-21 के लिए जीडीपी के जीरो विकास दर रहने का अनुमान जताया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में आए सुधार की रफ्तार स्थिर गति से जारी रहने की हमें उम्मीद है। अगर इकोनॉमी में हो रहा सुधार जारी रहा तो जैसा कि IMF का अनुमान है, इस साल हमारे देश का विकास दर शून्य के नज़दीक या निगेटिव जोन में रह सकता है। वहीं आगे उन्होंने देश की इकोनॉमी को वापस पटरी पर उतरने का भरोसा भी जताया है। इस कमी के लिए वित्त मंत्रालय ने अप्रैल जून तिमाही में लॉकडाउन के चलते विकास दर में आई 23.9% की गिरावट को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन जहान है तो जान है को तरहेज देकर वित्त मंत्री ने लॉकडाउन के फैसले को सही ठहराया। इस पर उनका कहना है कि इससे कोरोना से लड़ने के लिए सरकार को मौका मिला। वहीं पीएम मोदी ने सरकार के उठाए सुधारवादी कदमों का जिक्र करते हुए मंत्रालय की तारीफ की है। मोदी ने कहा कि देश के सभी क्षेत्रों में बड़े सुधारों का दौर रहा है। इस सुधार से भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर पूरी शक्ति से जुटा हुआ है। अब देखना यह होगा कि विकास दर की तेजी अस्थायी रहती है या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो फिर सरकार द्वारा किए गए दावे गलत साबित हो सकते हैं। D3 न्यूज़।